दिस वीडियो इज प्योरली फैन मेड, विच मीन्स इसको मैंने एडिट कर कर बनाया है एंड इसका एनिमे की मेन स्टोरी लाइन से कोई भी कनेक्शन नहीं है। नाउ एंजॉय द वीडियो। हे यश, क्योंकि अब तुम एक चैंपियन बन चुके हो, मैं तुम्हें एक 6v6 बैटल के लिए चैलेंज करना चाहती हूँ। यू नो वॉट मिस्टी, मैं भी इस रिमैच का बहुत टाइम से वेट कर रहा था एंड लुक्स लाइक द टाइम हैज फाइनली कम, सो ब्रिंग इट ऑन। दोनों काफी डैमेज ले लेते हैं। इसके बाद आश पिकाचू को सुपर इफेक्टिव थंडरबोल्ट यूज करने को कहता है, बट समहाउ क्लॉइड्जर थंडरबोल्ट को काफी इजीली काउंटर कर लेता है। आश समझ चुका था कि क्लॉइड्जर को हराने के लिए पिकाचू की पावर नहीं बल्कि उसकी स्पीड उसके काम आने वाली है एंड इसलिए वो पिकाचू को कमांड करता है फुल स्पीड से आयरन टेल यूज करने को। क्लॉइड्जर रिप्लाई में क्रैब हैमर मूव का यूज करता है बट पिकाचू उसे अपनी स्पीड से डॉच करता है एंड ऊपर से एक काफी स्ट्रॉन्ग आयरन टेल मार देता है। आश ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से वो पिकाचू को फिर से आयरन टेल यूज करने को कहता है, बट इस बार क्लॉइड्जर प्रिपेयर्ड था और वो पिकाचू को पकड़ लेता है। तभी आश के पास एक कमाल का आइडिया आता है एंड वो पिकाचू को इलेक्ट्रो बॉल यूज करने को बोलता है। जैसे ही पिकाचू इलेक्ट्रो बॉल क्लॉइड्जर के मुंह में यूज करता है, काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जिससे वो बाहर निकलता है एंड क्लॉइड्जर को एक सुपर इफेक्टिव थंडरबोल्ट से हिट कर देता है जिसे क्लॉइड्जर बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाता और फेंट हो जाता है। मिस्टी बोलती है, आश तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो बट शायद अब मुझे तुम्हें एक पुराने गेस्ट से मिलाने का टाइम आ चुका है, लेट्स गो। पिकाचू फ्रीक्वेंटली टोगेकिस पे थंडरबोल्ट यूज करता है बट टोगेकिस की स्पीड लाजवाब थी एंड उन्हें डॉच करते हुए टोगेकिस पिकाचू पे एयर स्लैश मार देती है। विदाउट अ ब्रेक टोगेकिस यूज करती है स्काई अटैक एंड पिकाचू को दूर फेंक देती है। आश चार्जार्ड को फ्लेम थ्रोवर यूज करने को कहता है बट बिल्कुल पिछली बार की तरह टोगेकिस स्काई अटैक से उसे डॉच करती है एंड स्काई अटैक से चार्जार्ड को हिट कर देती है जिससे चार्जार्ड को मैसिव डैमेज हो जाता है। एंड विदाउट अ ब्रेक टोगेकिस चार्ज करती है अपने ओरल स्फीयर को जिसे वो फिर से चार्जार्ड पर लॉन्च कर देती है एंड चार्जार्ड पे वो हिट भी हो जाता है। आश अब ये समझने लगा था कि टोगेकिस की मेन पावर उसकी स्पीड है इसलिए वो चार्जार्ड को ड्रैगन पल्स यूज करने को कहता है, बट टोगेकिस उसे भी काउंटर कर लेती है और अपने एयर स्लैश से चार्जार्ड को फिर से हिट करती है। मिस्सी कहती है, हे यश, लगता है चार्जार्ड टोगेकिस की स्पीड के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। ओके टोगेकिस, चार्जार्ड के चार ओर स्काई अटैक से घूमो। आश चार्जार्ड को असली टोगेकिस पे फोकस करने को कहता है एंड जैसे ही उन्हें मौका मिलता है वो यूज करते हैं स्लैश अटैक का जिससे टोगेकिस एक ही बार में ढेर हो जाती है। मिस्सी कहती है, आश इट्स टाइम फॉर माई न्यू पोकेमॉन्स। ब्लास्टोइस का हाइड्रो पंप चार्जार्ड पर एक हिट होता है बट चार्जार्ड भी रिप्लाई में यूज करता है फायर स्पिन मूव का। फायर स्पिन से बाहर आने के लिए ब्लास्टोइस यूज करता है रैपिड स्पिन मूव का एंड खुद को चार्ज कर अपनी पूरी ताकत से स्कल बैश का यूज करता है। चार्जार्ड स्लैश से उसे वापस तो फेंकता है बट ब्लास्टोइस भी रिप्लाई में हाइड्रो कैनन का यूज करता है, चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है एंड दोनों के मूव में एक कोलिजन हो जाता है। चार्जार्ड आते ही ड्रैगन टेल मूव का यूज कर देता है जिससे काफी स्ट्रॉन्ग वेव प्रोड्यूस होती है, बट उसके बदले में ब्लास्टोइस यूज करता है आइस बीम का जो चार्जार्ड पर सीधा हिट मारता है एंड इवन बिफोर चार्जार्ड रिकवर्ड ब्लास्टोइस उसे हाइड्रो पंप से हिट करता है एंड फिर एक और बार स्कल बैश से भी हिट करता है। आश बोलता है, हे मिस्टी, चलो दोनों अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स का यूज करके इसे खत्म करते हैं। चार्जार्ड फ्लेम थ्रोवर का यूज करता है वहीं पर ब्लास्टोइस हाइड्रो पंप का यूज करता है एंड दोनों को एक दूसरे के मूव्स हिट कर जाते हैं। स्क्वार्टल स्कल बैश का यूज करता है बट स्टार्मी उसे डॉच करती है एंड वाटर गन का यूज करती है। स्क्वार्टल भी वाटर गन यूज करता है एंड दोनों की वाटर गन्स में एक कोलिजन हो जाता है। स्क्वार्टल फिर से वाटर गन का यूज करता है बट स्टार्मी उसे फिर से डॉच करती है एंड इस बार एक सुपर इफेक्टिव थंडरबोल्ट का यूज करती है जो स्क्वार्टल पर सुपर इफेक्टिव था। आश स्क्वार्टल को जमीन पर वाटर गन करके उछलने को कहता है एंड फिर हाइड्रो पंप यूज करने को कहता है जो स्टार्मी पर एक काफी बड़ा हिट होता है एंड स्टार्मी इससे फेंट हो जाती है। でも活躍したミロカロス
माइलोटिक आयरन हेड की हेल्प से स्क्वाड्रिल को काफी डैमेज कर देती है। स्क्वाड्रिल रैपिड स्पिन का यूज करता है बट माइलोटिक उसे हाइड्रो पंप से हिट करती है एंड स्क्वाड्रिल एक ही बार में फेंट हो जाता है। मिस्टी रिवील करती है कि उसका माइलोटिक उसका सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है। एश कहता है ओके मिस्टी मिलो मेरे नए वाटर टाइप पोकेमोन से। माइलोटिक बैटल की शुरुआत करती है सुपर इफेक्टिव डार्जिलिंग ग्लीम से। रिप्लाई में ड्रैको भी यूज करता है ड्रैगन रश का बट डार्जिलिंग ग्लीम भी उसे हिट कर जाती है। माइलोटिक रैप अटैक से ड्रैकोविश को चोक करना स्टार्ट कर देती है। एश भी एक काफी स्मार्ट चीज सोचता है एंड ड्रैकोविश को कमांड करता है फिशियस रेन यूज करने को। रिप्लाई में माइलोटिक भी अपने आयरन हेड मूव का यूज कर देती है और दोनों के मूव में काफी बड़ा कोलिजन हो जाता है जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसके बाद हम देखते हैं कि ड्रैकोविश फेंट हो चुका है। पिकाचू फील्ड में एंटर करते ही एक डिवास्टेटिंग सुपर इफेक्टिव थंडरबोल्ट का यूज करता है। दोनों पोकेमोन्स अपने स्ट्रॉन्गेस्ट मूव थंडरबोल्ट और हाइड्रो पंप से स्टार्ट करते हैं और दोनों की मूव्स में कोलिजन हो जाता है। इसके बाद पिकाचू यूज करता है इलेक्ट्रोबॉल का बट गैराडोस काफी इजीली हरिकेन से इलेक्ट्रोबॉल और पिकाचू दोनों को पीछे फेंक देता है। पिकाचू रिप्लाई में क्विक अटैक से काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक मारता है जिसे गैराडोस काफी डैमेज ले लेता है। गैराडोस पीछे नहीं हटता और फ्लेम थ्रोवर से एक स्ट्राइक मारता है जिसे पिकाचू आयरन टेल से काउंटर करता है बट फिर भी काफी डैमेज ले लेता है। मेगा इवॉल्व होने के बाद गैराडोस हाइड्रो पंप का यूज करता है जिसकी पावर अब पहले से डबल हो चुकी थी। इसके बाद इमीडिएटली गैराडोस पिकाचू पर क्रंच करता है जो मिस हो जाता है। एश के कमांड पर पिकाचू रॉक टू रॉक जंप करता है एंड गैराडोस पर एक आयरन टेल मार देता है। पानी का फायदा उठाते हुए गैराडोस हरिकेन से एक वाटर टोर्नाडो बना देता है। काफी सोचने के बाद एश एक स्ट्रेटजी बना लेता है। वो पिकाचू को कमांड करता है अपने चारों ओर थंडरबोल्ट यूज करने को और पिकाचू ऐसे ही करता है। थंडरबोल्ट की वजह से पूरे टोर्नाडो में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। पिकाचू क्विक अटैक से टोर्नाडो टॉप पर पहुंचता है और तभी एंड इसी के साथ एश किचम डिफीट कर देता है मिस्टी को।